वर्तमान में क्या एक वेलमार क्लोज नॉर्थ बंगाल पे बना हुआ है, एक डीप डिप्रेशन राष्ट्रीय कक्ष पे बना हुआ है, वहाँ से एक ट्रफ लाइन मालेगांव जगदलपुर होती हुई WML तक आ रही है, मतलब मध्य प्रदेश के सदर्न पोर्शन पे है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। तो उस हिसाब से अगले जो 24 घंटे के लिए वार्निंग इशू है, 10 जिलों में ग्रीन वार्निंग इशू करी गई है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकता है, और 2 दिन लगभग यही स्थिति बनी रहेगी, वर्षा की गति इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। 2 दिन के बाद जो वेलमार्क लो सिस्टम पूरी मध्य प्रदेश की तरफ आ जाएगा, तो उसके वजह से वर्षा की गतिविधि में बड़ी बढ़ोतरी होगी, और लगभग कम से कम 20-25 जिले हैवी रेनफॉल के लगभग पूरे देख सकते हैं, उसमें आप हैवी रेनफॉल होने के चांसेस बने हुए हैं, वर्षा बनी रहेगी। और ये स्थिति 1 तारीख को, 2 को और 3 तारीख को और अच्छे से बढ़ जाएगी। यहाँ पर कुछ हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल के अलर्ट जारी किए गए हैं। 3 तारीख को भी लगभग ये स्थिति बनी रहेगी, राज्य प्रदेश में वर्षा की अच्छी गतिविधियां बनी रहेंगी। लोकल 18 के लिए भोपाल से दीपक पांडे की रिपोर्ट।